हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैमरिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ कि अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट या अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कैसे सेंड करें। अभी दोस्तों देख सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पे पेटीएम बैलेंस है। यहाँ पे आप लोगों को 844 रुपया देखने को मिल रहा होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, आप देखते हैं पेटीएम वॉलेट, इसके सामने यहाँ पे 844 रुपया। यानी दोस्तों ये जो मेरा पैसा है पेटीएम वॉलेट में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इसमें मैं बीच में चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है 492 रुपया। अगर दोस्तों मैं चाहूँ तो इस पैसा को यहाँ पे ला सकता हूँ। तो दोस्तों कैसे आएगा इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी लाइव टू लाइव दिखा रहा हूँ। चलो दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना पेटीएम यहाँ पे खोल लेता हूँ। अभी देखते पेटीएम मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भेजना है। अब दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है कि बैलेंस एंड हिस्टोरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना। जिस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पेटीएम बैलेंस यहाँ पे 844 रुपया दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, देखते पेटीएम वॉलेट यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पर 844 रुपये। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ मेरा 492 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे कैसे क्या होना, सही यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए आपको पेटीएम वॉलेट के जस्ट सामने 844 जो दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना। जिस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, सेंड मनी टू बैंक, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, ऑटोमेटिक ऐड मनी, यहाँ पे व्यूअर स्पेंड एनालिटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन दो नंबर पे सेंड मनी टू बैंक, इस पर आपको क्लिक करना। जिस इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे मेरे 844 रुपये था, 844 रुपये मैं पूरा का पूरा डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रोसेसर पे क्लिक करना होगा। जिसे दोस्तों आप प्रोसेसर पे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पे चाहे तो अदर बैंक में भेज सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, चाहे तो दोस्तों अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भेज सकते हैं। दोस्तों मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक यहाँ पे शो कर रहा है, अदर बैंक भी यहाँ पे शो कर रहा है, चाहे तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भेजना चाहिए, तो पेटीएम पेमेंट्स भेजने के लिए आपको इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जिस इस पर क्लिक कीजिए उसमें दोस्तों आप देखते 844 रुपया यहाँ पे चार्ज एक भी रुपया नहीं कटेगा। दोस्तों 844 रुपया का 844 रुपया आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं प्रोसेसर पे क्लिक करता हूँ, जिसे प्रोसेसर पे क्लिक किया इंस्टेंट यहाँ पे आप लोग सामने देखने को मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से यहाँ पे मेरा मैसेज भी आ चुका है कि 844 रुपया मेरे यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपको 844 रुपया रिसीव हो चुका है। दोस्तों पेटीएम वॉलेट की तरफ से यहाँ पे मैसेज आया है कि आपका पेटीएम वॉलेट का बैंक ट्रांसफर कर दिया गया है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से मैसेज है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पैसा रिसीव हो चुका है 844 रुपया। आप देखते हैं सब कुछ सक्सेसफुल यहाँ पे 844 रुपया दिखा रहा होगा। दोस्तों ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों मैं करता हूँ बैक, और दोस्तों आप देखते हैं मेरा जो बैलेंस था यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे सब कुछ जीरो हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है 844 रुपया माइनस है। दोस्तों पेटीएम वॉलेट से मेरा पैसा कट चुका है। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बैक, यहाँ पे देखते अभी 844 रुपये। दोस्तों एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश किया और दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं मेरे पेटीएम वॉलेट में यहाँ पे अभी जीरो हो चुका है। आप देखते हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं सब कुछ यहाँ पे पेटीएम वॉलेट बैलेंस जीरो जीरो हो चुका है। अब चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो 492 रुपया था 844 रुपया यहाँ से गया है, यानी दोस्तों टोटल यहाँ पे मिला करके 1336 रुपया हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों आप देखते हैं मैसेज भी आया है, यानी यहाँ पे रिसीव्ड यहाँ पे 844 रुपया यहाँ पे पेटीएम, यहाँ पे देखते रिसीव्ड फ्रॉम पेटीएम है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों पेटीएम का अगर आप अपडेट कर दें तो उसमें भी इसी तरह कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा आपको सर्च करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी आप लोग बताए समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना, मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।